समय दिया, आज मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालों की समस्या, रूसी रूसी की वजह से हम लोगों के बाल झड़ने लगते हैं और स्किन में मैची आने लगती, पसीना होता है, उसको दूर करने के लिए आज मैं आपको नींबू और ऑयल बता रही हूँ। ये नींबू और ऑयल मिक्स करके हम अपने सिर में लगाएंगे तो रूसी की समस्या बिल्कुल एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी और आपको इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा कि रूसी ख़त्म हो जाएगी। और इससे बाल झड़ना, आपके दो हफ्ते में दो बार लगाने से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम नींबू लेते हैं, नींबू का रस 2 या 3 चम्मच निचोड़कर। इसके बाद मैं नारियल तेल भी ले सकते हैं, मैं सेसा ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए सेसा ऑयल अच्छा रहता है, हेयर ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके लिए मैं सेसा ऑयल यूज़ करती हूँ। इसको मैं 3 या 4 चम्मच डालकर मिक्स करके अपनी बालों की स्कैल्प में मांग कर लगाते हैं जिससे हमारे सिर की रूसी ख़त्म हो जाती है। आप 1 घंटे भी लगा सकते हैं या फिर शाम को आप सिर वॉश कर शैम्पू करके इसको लगाएं, लगा के हल्के हाथ से मालिश करें, थ्री फिंगर से मालिश करने से क्या होता है, हमारे स्कैल्प में जो बाल कमज़ोर होते हैं वो टूटेंगे नहीं। बालों के नीचे से लेके हल्के हल्के हाथ से यूं यूं करके मसाज करनी है और बालों की जड़ों में कॉटन से लगाना है। मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे, हम जूड़ा नहीं बनाएंगे, चोटी नहीं बनाएंगे, पिनअप नहीं करेंगे, इनको खुला छोड़ेंगे। खुला छोड़ने के बाद जब सूख जाए सिर में नींबू का रस जब सूख जाए उसके बाद हम उसे बांधेंगे और दूसरे दिन शैम्पू करेंगे। और शैम्पू ज़्यादा केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू से हमारे सिर में डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है, रूसी हो जाती है, बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। इसीलिए आप सॉफ्ट शैम्पू ऑप्टिकेयर या फिर आप और हल्का शैम्पू जैसे जॉनसन्स बेबी का, उसमें केमिकल नहीं होते, बच्चों के लिए होता है, उससे बाल हमारे ड्राई नहीं होंगे और सॉफ्ट रहेंगे और रूसी की समस्या एकदम ख़त्म हो जाएगी। आप विश्वास मानिए 1 हफ्ते में आपकी रूसी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे।